अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि आंदोलन का बिल्लौर से है गहरा नाता। बिल्लौर के भक्तों ने राम मंदिर के आंदोलन में निभाई है महती भूमिका। 1992 में कई राम भक्त गए हैं जेल। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वायुव्रत स्वयंसेवक बाबा शिवाधार ने जगाई थी राम भक्तों में अलग। बुजुर्ग बाबा शिवाधार का साक्षात्कार देखे मेरे साथ लाइव। जो बाबरी मस्जिद थी, मस्जिद टाइप का था लेकिन चित्र बने हुए थे, हिंदू चित्र। अच्छा, हिंदू चित्र बने थे। तो जब सबसे पहली बार आप लोग 90-90 के आसपास गए तो क्या सोच के गए थे वहां पे? यही कि ये वास्तव में अपना है, बनना चाहिए। नहीं तो यहाँ से बताते हैं, आप लोग यहाँ से जत्थों के रूप में जाते थे, 100-100, 50-50 लोग जाते थे, तो वहाँ पर दर्शन अर्शन होते थे मंदिर, मतलब मस्जिद दर्शन होते थे। अच्छा, जाने क्या क्या थे? अच्छा, जाने क्या क्या थे? ये किस सन की बात, आपके सबसे पहली बात किस सन में गए? हम वही 90 के पहले, कुछ 2 साल पहले, मतलब 88 में गए। अच्छा, उसके बाद आप लगातार 1990 में गोली चली थी और 91 में मुलायम सिंह के द्वारा गोली चलाई, तब उस आंदोलन में थे वहाँ पे आप, जब गोली चली है, जब वहाँ पे गोली चली है कार से पर। थे वहाँ पे आप, तो क्या नजारा था वहाँ पे? अरे बहुत बेइज्जती। अच्छा, अनाथ बेइज्जती। यहाँ पे बिल्लौर में कौन कौन जो अभी नामी लोग हैं आपके साथ में, कौन कौन गया था जब 91 में वहाँ पे गोली चली थी? पहले चली थी। 90 के आसपास, अब डेट तो हमें आप लोगों को जाना पता हो गया, हमें तो 91 की जाना। और ये तोड़फोड़ हुई है बाद में। हाँ, तो जब ये तोड़फोड़ हुई तो आप वहाँ पे मौजूद थे? हम लोगों को मना कर दिया गया। अच्छा, लोगों को मना कर दिया क्योंकि बाहरी लोग, बाहर प्रांतों के लोग आए, जगह नहीं थी, मना कर दिया। तो हम गए थे और लोग गए थे। कौन कौन गया था? नए लड़के, नौजवान बहुत गए। तब आप भी नौजवान होंगे, मतलब 90 यानी कि आज से लगभग 35 साल पहले आप भी नौजवान ही होंगे। हाँ, लोग गए थे। अच्छा, फिर मना कर दिया गया। जो पहले चले गए चले गए, फिर आना अब जाना इतनी भीड़ है वहाँ पर। आपने मुझे बताया कि जो यहाँ पे कांग्रेसी हुआ करते थे वो शाखा नहीं लगने देते थे, उसका क्या कारण था, क्यों नहीं लगने देते थे? असल में वो भी पहले स्वयंसेवक थे, महात्मा गांधी के मरने के पहले जो शाखा लगती थी तो वो लोग भी थे, और वो जेल में बंद कर दिए गए महात्मा गांधी के उसमें। अच्छा, तो खुशिया करके कांग्रेस में चले गए कि अगर संघ चलेगा तो हमारी कांग्रेस जो है कमजोर हो जाएगी, लक्षता होगा। आपकी शाखा से आपके मार्गदर्शन में एक जो स्वयं सेवक था वो विनय कटियार बन गया, उसके तरीके से और लोग यहाँ से क्यों नहीं निकल पाए, क्या उसका कारण समझते? अनेक लोग निकले, अनेक कार्यकर्ता कार्य कर रहे हैं, की शाखा में और आज की शाखा में क्या अंतर है? शाखा बहुत अच्छी चल रही है, उस समय हमने पहली शाखा शुरू की, जिनमें 4 शाखाएं नगर में और पूरे जिले में 6 कार्य चल रहा। नहीं, हम ये जानना चाह रहे हैं, सन 70 में जब आप थे, आपके द्वारा शाखा लगवाई जाती थी, अब शाखा लग रही है, अब में और तब में क्या अंतर है? समय संघ में नए नौजवान जुड़ रहे हैं,
अच्छे से परिवारों के वर्तमान समय में छता है। जब शिवाला मंदिर में आपने सबसे पहले शाखा लगाई तो कितने स्वयं सेवक वहाँ पर जुटा पाए थे आप? केवल 5 लोग गए थे। अच्छा, 5 लोग। फिर 5 से आप लोगों ने फिर पूरे इलाके में बारी बारी से गांव गांव में शाखाएं खोली। अच्छा, अब राम मंदिर बन रहा है, आगे वो घड़ी 22 तारीख को प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे, क्या आशा आप अच्छी है, आपको जाने की इच्छा है? हाँ, इच्छा भी है, लेकिन आज्ञा जब होगी तभी जाया जाएगा। वो तो प्रभु की इच्छा से ही सब लोग जाएंगे, बस सही। तो कभी कोई न्योता भी आपको आया, क्योंकि क्षेत्र में जो काम हुआ है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आपके द्वारा, एक नेक काम जिसके मुंह से भी सुनो, चाहे स्वयंसेवक हो या किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो व्यक्ति हो, बताता कि शिवाधार जी ने बहुत अच्छा काम किया। तो अभी कोई इन्विटेशन वगैरह? जैसे किसान संघ है उसका संघ का अनुसांगिक संगठन और पहले जुड़े किसान संघ में रहे प्रदेश उपाध्यक्ष, लेकिन संघ से जुड़े रहे, संघ की आज्ञा से ही सब करते रहे, सेवा भारती वाला काम, मैंने अनुसूचित जाति के कमजोर वर्ग के सब काम। हमें जो जानकारी है कि राष्ट्रीय स्वयं सेवक के जो विनय खटियार थे, उन्होंने ही बजरंग दल की स्थापना करी थी, अशोक सिंगल के नेतृत्व में चले गए हाँ। तो संघ के आदर्श के प्रसारक भी रहे काशी में, विनय खटियार और उन्हीं के द्वारा जो है अशोक सिंगल ने बजरंग दल को खड़ा किया, उन्हें राष्ट्रीय सहयोग बना दिया, उन्होंने पूरे देश का दौरा करके माने बजरंग दल जिसमें वस्त अशोक जी का रहा। आप कई बार जेल गए, मुझे बताया गया है कि कई जो स्वयं सेवक थे या कार्य सेवक थे उन पर DIR मीशा भी लगाया गया, कितने लोगों पर लगाया गया? ये लगाया गया था उसमें क्या नाम, जब इमरजेंसी लगी। अच्छा, 75 में। अच्छा, 1975 में जब आप स्वयं सेवक थे जी। तीन महीना पुलिस से बच के रहना था। अच्छा अच्छा, पता है क्या क्या आपने अड़चने उठाई राम मंदिर के लिए? राम मंदिर के लिए कोई अड़चन नहीं। अच्छा, राम मंदिर कोई आर्थिक सामाजिक समस्या? समाज से योगदान को अगर छेड़ा जाएगा तो मार पड़ेगा, नहीं जिसे आप स्वयं सेवकों को एकत्रित करते थे, संगठन को चलाने के लिए शक्ति की जरूरत होती है, शक्ति के लिए संपदा की जरूरत होती है भाई, 4 आदमी अगर 4 स्वयं सेवक ले जा रहे हैं, उनका भोजन पानी है, रहना खाना है, तो मुझे ये बताया गया कि आपने कई सारे माल जेवर को भी बिक्री करके राम सेवा में राम काज में लगाए। आवश्यकता इमरजेंसी में पड़ गई तो स्वयं सेवकों को जेल भेजा हमने, क्योंकि तहसील के संयोजक थे, और भेजने के बाद में क्योंकि जमानत वगैरह के लिए खुदा गल्ला अपने घर का गल्ला भेजना पड़ा, और एक प्रचारक की थे रामा सिंह जी जो अखिल भारतीय अधिकारी हैं, उनको आवश्यकता पड़ गई या रक्षा खत्म हो गई, तो उन्होंने उस समय मैंने 5,000 रुपया कहा, तो मुझे अपने जेवर जेवर तो इतनी बहुत कम थी सब किसी में जाए 5,000 मांगते तो क्या करें, इतनी से कहा उन्होंने दे दिया। अच्छा, राम काज में लगाने के लिए उन्होंने स्वीकृत दे दी। क्या नाम था दादी जी का? लड़की शकुंतलाया। ये किस सन की बात है? ये
75-77 में सीना हुआ, करीब ये 82 के बाद। तो अभी जो राम मंदिर से जुड़े हुए लोग हैं वो आपसे मुलाकात करने आते होंगे, क्या चर्चा करते हैं आपसे? बेचारे देख जाता करे बाबा जी, हो रहे ना जाने लगे पढ़ाना। हमें ये भी बताया गया है कि जो विनय कटियार हैं या बहुत से ऐसे स्वयं सेवक हैं वो आपको अपना गुरु मानते हैं। ये तो उनकी श्रद्धा है, हम क्या करें, इस संग में गुरु तो भगवान हो जाए, जिनको गुरु माना गया, लेकिन हाँ मार्गदर्शक मानते हैं, बड़ी श्रद्धा करते हैं। अब सरकार के द्वारा भक्ति स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही हैं, बसें चलाई जा रही हैं, स्वयं सेवक लगाए जा रहे हैं, लाखों लोगों को दर्शन कराने की योजना है। तो उस टाइम जाने के लिए रोका जाता था, लोगों के ऊपर लाठियां पड़ती थी, तो ये बदलाव आप लोगों के संघर्ष से ही आया। तो अब क्या इच्छा है, अभी और भी कोई इच्छा है? नहीं, अपने बच्चों को या अपने नाती या हम लोगों को क्या देख रहे, आप लोगों ने दे दिया, हम लोग क्या ऐसा करें? संघ कार्य करते रहे, संघ से जुड़े रहे, यही सबसे अच्छा संघ रहे, इसके माध्यम से देश की सेवा करे, हिंदू धर्म की सेवा करे, मातृभूमि की सेवा करे। लेटा लेटा बहुत बढ़िया।